नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है। पूरे देश में इसको लेकर खुशी का माहौल है। आज वहां पर जो भूमि पूजन हो रहा है, इसमें देश के प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की और साथ ही साथ तमाम देश के जो नेता हैं वो भी वहां पर आज भूमि पूजन में पहुँच रहे हैं। पर इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर और आपको हम एक पोस्टर दिखाना जा रहे हैं, जो पोस्टर यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा लगवाई गई है, जिसमें साफ तौर पे जो कांग्रेस है वो बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। आप साफ पोस्टर में देख सकते हैं कि साफ तौर पे लिखा गया है कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी मंदिर में देरी के लिए देश प्रदेश से मांगे माफ़ी। और साथ ही साथ लिखा हुआ है भाजपा 3 में ना तो 13 में। साफ तौर पे जो कांग्रेस ने यहाँ पे पोस्टर लगाया है उसमें बीजेपी को घेरने का काम कर रही है कांग्रेस। और साफ तौर पे लिखा हुआ है राम मंदिर के लिए दिनांक 5 अगस्त 2020 को दूसरी बार भूमि पूजन पर बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। साथ ही साथ इस पोस्टर के माध्यम से जनता को बधाई भी दे रही है कांग्रेस। और उसके नीचे साफ तौर पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति समेत विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण नहीं देने पर भाजपा के सुकंचित मानसिकता। तो साफ तौर पे जो कांग्रेस है वो नाराज़ है, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको भी इस भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की सबसे पहले नेहरू जी की वहाँ पे तस्वीर है, उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है 23 दिसंबर 1949 रामलला प्रकट हुए। उसके बाद राजीव गांधी की तस्वीर है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1 फरवरी 1986 मंदिर का ताला खुलवाए एवं 9 नवंबर 1989 को भूमि पूजन करवाए। तो यहाँ पे साफ तौर पे राजीव गांधी के बारे में दिखाया गया है कि उन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया और वहाँ पर भूमि पूजन कराया। उसके बाद जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके भी एक तस्वीर लगाई गई है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है हिंदू पक्ष के पैरविकार को पराशर को 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ 2012 में राज्यसभा भी भेजा गया। उसके बाद सोनिया गांधी की तस्वीर लगाई गई है जिसमें वहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कदम कदम पर राजीव जी के निर्णय के साथ राम मंदिर जल्द बने। तो जिस तरह से राजीव गांधी लगातार बोल रहे थे कि वो अपने समय में कि राम मंदिर जल्द बने, तो उसी का यहाँ पे दिखाया गया है कि सोनिया गांधी ने भी समर्थन किया है। उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अब वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा, उसलिए यहाँ पे जो उसके बाद राहुल गांधी ने जो फैसले का स्वागत किया था वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद आप एक तरफ देख सकते हैं कि एक दूसरी तस्वीर लगाई गई है जिसमें महात्मा गांधी को दर्शाया गया, वहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है रोम रोम में बसने वाले राम। और उसके पास आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो एक क्यूट वहाँ पे ट्विटर हैंडल के वहाँ पे डाला हुआ है, जिसमें आचार्य प्रमोद हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राजीव गांधी 1985 में ही मंदिर बनवाना चाहते थे और मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का कोई रोल नहीं है। अब देखना यह है कि इतना कड़वा सच बोलने के बाद जो सांसद है भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी को पाकिस्तानी और मुल्ला कब कहा जाता है। तो साफ तौर पे यह जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा ये यहाँ पे टूटा है, जो उनकी तस्वीर है वो दिखाया गया है कि किस तरह से उनके जो भाजपा के सांसद है वो भी बोल रहे हैं कि राजीव गांधी राम मंदिर बनवाना चाहते थे। और लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है भगवान राम भाजपा के लिए सिर्फ सियासत और कांग्रेस के लिए आस्था। तो आप साफ तौर पे ये पोस्टर में देख सकते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का काम किया है और साफ तौर पे लिखा है कि कांग्रेस इस पे आस्था करती है पर बीजेपी इस पे साफ तौर पे सियासत करती है। जिस तरह से इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर तमाम पोस्टर जारी हो रहे थे एक दूसरे पार्टियों के द्वारा। इसी बीच जो अयोध्या में आज राम मंदिर की भूमि पूजन है उसको लेकर भी कांग्रेस ने आज बीजेपी को घेरने का काम किया है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।